आरजेडी जब तक शासन किया तब तक आप घर से 7 बजे के बाद में अपने बहू बेटी के साथ बाहर नहीं निकल सकते। नेता तो नेता ही के साथ होता है, तो कभी किसी दूसरे का होगा ही नहीं, चाहे आरजेडी का हो, चाहे तीर धनुष हो, चाहे गुलाब छाप हो, चाहे एथी कोई भी पार्टी का हो, एक दूसरे का एथी, लेकिन मर्यादा में रख के बोलना चाहिए। कुत्ता जाति सब अच्छा नहीं, इतने ऊपर पद पर आ गए, नेता बन गए, जंगल राज झेल चुके हैं हम लोग, दोबारा खेलने का मौका। आदमी तो तेजस्वी यादव कोई ऐसा कोई दिखावा वाला काम नहीं है जो आदमी को लुभावन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में, आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी वाले हैं जो लगातार आरजेडी पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी है जो कुत्ता के दुम है, वो अपराधी छवि के पार्टी है, वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और वो जहाँ आरजेडी है वो बाहुबली की पार्टी है। वहीं कल सुशील मोदी ने भी कहा है कि जो आरजेडी है वो कुत्ते के दुम की जैसा है, वो कभी सीधा नहीं हो सकती है। इसी पर हम पब्लिक ओपिनियन के लिए निकले हैं और जनता की राय जानते हैं कि क्या आरजेडी को बारे में क्या लोग सोचते हैं। सर, आरजेडी कह रहे हैं कि वो कुत्ता का दुम है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है, एक दूसरा का आरोप लगाता ही, चाहे आरजेडी का हो, चाहे तीर धनुष हो, चाहे गुलाब छाप हो, चाहे एथी कोई भी पार्टी का हो, एक दूसरा का एथी, लेकिन मर्यादा में रख के बोलना चाहिए। कुत्ता जाति सब अच्छा नहीं, इतने ऊपर पद पर आ गए, नेता बन गए, एथी बन गए, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। बेवकूफ़ बोलना चाहिए, बदमाश बोलना चाहिए, पलटू राम बोले ठीक है वहाँ तक ठीक है, कुत्ता उत्ता ये सब बात सब नहीं बोलनी चाहिए। उनका साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिस तरह से कुत्ता के पूछ सोझा नहीं हो सकता है, उस तरह से आरजेडी का नहीं सोझा, क्योंकि उनका कहना है कि आपराधिक छवि पार्टी है, वो आपराधी को संरक्षण करते, इसलिए वो बोल रहे हैं। आपराधी छवि पार्टी है तो आप उससे आदमी को टिकट मत दीजिए, टिकट मत देने दीजिए, उसको इलेक्शन में मत खड़ा होने दीजिए। जब ऐसा है जो जेल में जा चुका है, जो अपराधी छवि का, उसको टिकट मत देने दीजिए, उसको इलेक्शन कमीशन से खबर कर दीजिए, अपराधी छवि का उनको टिकट नहीं दिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बात प्रेम से बैठ के करे तो अच्छा। अब कुत्ता जात बोले ये शोभा नहीं देता, गधा ये भी शोभा, कौआ बोलेगा शोभा देता, मोर बोलेगा सब, गधा बोलता तो शोभा नहीं देता है, बस। आप क्या कहिएगा आरजेडी के बारे में बोला जा रहा है? आरजेडी भी एक अच्छी पार्टी है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लोग अगर कहते हैं कि आरजेडी खराब है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये तो आप अपना बनाया है कि इसको कैसे बोल दे, वैसे बोल दे, ऐसे बोलना वैसे बोलना, तो अच्छी बात, सही बात बोल रहे हैं सर भी कि अच्छी बात नहीं है, और इसी बात को हम अच्छे तरीके से बोलेंगे, है ना? ठीक है, आप ही हमारे हैं, एक तो आप एक साथ ही होंगे, नेता तो नेता ही के साथ होता है, तो कभी किसी दूसरे का होगा ही नहीं। आप ऐसे हम एल एफ में हम भी आगे बैठे हैं बहुत बार, तो एक साथ देखते हैं कि लिट्टी चोखा भी चल रहा है, ये तो गलत है किसी का बोलना। अब बोलेंगे भी तो उसको कायदे से बोलेंगे। आरजेडी जैसे पार्टी कैसा है? बहुत ही अच्छी पार्टी है, उसके हम समर्थक हैं। तो आपने तमाम लोगों को सुना कि सबको कहना है, आरजेडी को आप कैसे देखते हैं? आरजेडी को बोला जा रहा है कि वो कुत्ता के दुम के जैसा कभी सोझा नहीं होगा आरजेडी? ऐसा नहीं है, मनुष्य कभी भी बदल सकता, अगर अपना चाहत रखे अच्छा करने की तो जरूर आगे की भी सोचेगी अच्छा ही। अभी आरजेडी किस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अभी आरजेडी काम कर रही है, तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्टिव मूल्य, अभी तो तेजस्वी यादव कोई ऐसा कोई दिखावा वाला काम नहीं है जो आदमी को लुभावन हो, लेकिन अब तो धीरे धीरे अब नया पार्टी है, नया पार्टी आरजेडी, जैसे नया अभी मुख्यमंत्री बने हैं, यार कम से कम तो ये जो 70 साल 60 साल 50 साल की उम्र में जो राजनीति में आते हैं और जो अभी यंग मैन है, इनको धीरे धीरे लाइन पर आते आते जरूर कि आगे की राजनीति अच्छा करने चाहिए। तो मतलब पहले, लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि पहले आरजेडी है जो मतलब कि आपराधिक छवि पार्टी है आरजेडी वाले, नहीं नहीं ऐसे देखिए, ये तो उस समय की बात था जिस समय हम लोग बच्चा थे, उस समय तो ऐसा माहौल था, वैसा समय था, तो ऐसा चलता था। अब तो उस तरह का माहौल भी नहीं, वैसा अब पहले जैसा बुड़बक भी आदमी नहीं है, अब धीरे धीरे लोग भी शिक्षित हो गए हैं, किसको देना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, ये तो हम और आप में सब में समझ है। ऐसा नहीं है कि कोई बहका दिया कि फलना को दो चिलना को दो, सो तो नहीं होता है। अब तो पार्टी अच्छी है, हाँ मिला जुला के ठीक है, अब इनको काम आगे की जनता के लिए करेगी तो इनको लोग बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। आप कैसे देखते हैं आरजेडी पार्टी को बोला जा रहा है कि कुत्ता के दुम का जैसा कभी सोझा नहीं होगा, आप आरजेडी को कैसे देखते हैं? जंगल राज झेल चुके हैं हम लोग, अब दोबारा झेलने का औकात नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार में अभी आए आरजेडी है, तो कैसे आप देख रहे हैं आरजेडी? सही में उस तरह जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरजेडी कुत्ते के दुम का जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल,
क्यों आप भी ऐसे इस तरह से बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं ना कि आरजेडी जब तक शासन किया तब तक आप घर से 7 बजे के बाद में अपने बहू बेटी के साथ में बाहर नहीं निकल सकते थे, और जैसे ही फिर ये नीतीश कुमार इधर ज्वाइन किए फिर जंगल राज का प्रकोप सामने नजर आ रहा है। मतलब अभी सरकार बनी है फिर से जंगल राज आ गया है, नजर आ रहा है सामने, आपको नजर नहीं आ रहा है कि डेली लूट मार चालू है? तो मतलब कभी आरजेडी सोझा नहीं होगी? कभी नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं जो सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरजेडी कुत्ते के दुम के जैसा कभी सोझा? बिल्कुल कभी मैंने कि आरजेडी में अगर वो कुछ करना भी चाहें तो, लेकिन उनके सपोर्टर जो है ना, मतलब उनके कास्ट वाले जो है ना, वो उसका नजायज़ फ़ायदा उठाने लेते हैं। मतलब जो आरजेडी है यादव के, जो उनके कास्ट है यादव लोग, नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? बिल्कुल। तो मतलब आरजेडी है जो सोझा होने वाली नहीं है? कभी नहीं। तो आपने तमाम लोगों को सुना, तमाम लोगों का कहना है कि आरजेडी है जो अगर काम करती है तो बस सही है, और तमाम किन्हीं को कहना है कि आरजेडी कभी सोझा नहीं होगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।